पहले दिन ही रेस 3 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद सलमान ने ऐसे मनाई ईद। सामने आया वीडियो। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हर साल की तरह इस साल भी अपने घर में धूमधाम से ईद मनाई। ईद के मौके पर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई, जो इस मौके पर बस सलमान की एक झलक देखना चाहती थी। सलमान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और अपने घर की बेलकोनी में आकर उनका अभिवादन किया। इस ईद की खास बात यह रही कि सलमान अपनी फैमिली के बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करते नजर आए, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए। सलमान खान का बच्चों के साथ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सभी ईद मुबारक कह रहे हैं। इस मौके पर सलमान ने व्हाइट कलर का पठानी कुर्ता पहना हुआ था और उनके हाथ में उनका लकी ब्रेसलेट भी था। सलमान के साथ खड़े बच्चे पीले रंग के कुर्ते में नजर आए। सलमान खान से मिलने के लिए फैंस कई घंटों से बांद्रा स्थित घर के बाहर सड़कों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। शाम लगभग 4:30 बजे सलमान खान अपने अपार्टमेंट की बेलकोनी पर दिखे। सलमान की एक झलक पाने के लिए खड़े फैंस ने जैसे ही सलमान को देखा तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। सलमान के फैंस ने भी उन्हें निराश नहीं किया और ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म रेस 3 को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि कुछ लोग फिल्म के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इससे फिल्म के कलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और भाईजान के फैंस लगातार ये मूवी देख रहे हैं। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 29 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।